अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा तालीमी रहनुमाई का यूट्यूब चैनल उस्मान खान टीवी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज नम्स ने प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की मेरिट लिस्टें जारी कर दी हैं। हम बात कर लेते हैं लेटेस्ट न्यूज़ सेगमेंट में प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के लिए जो मेरिट लिस्टें अपलोड की गई हैं उनमें CMH लाहौर मेडिकल कॉलेज, क्वेटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज क्वेटा, CMH मुल्तान, वाह मेडिकल कॉलेज किम्स कराची, CMH बहावलपुर, CMH खारिया, PNS शिफा कराची, BMDC जो है बहरिया यूनिवर्सिटी का, फाउंडेशन इस्लामाबाद और उसके बाद शिफा इस्लामाबाद, IMDC इस्लामाबाद, अल नफीस इस्लामाबाद, HBS इस्लामाबाद, फजाइया इस्लामाबाद, मुहैयुद्दीन मीरपुर और उसके बाद इस्लामिक इंटरनेशनल डेंटल कॉलेज इस्लामाबाद। ये तमाम कॉलेजेस हैं और उसके बाद जो हम बात कर लेते हैं कि फीस जमा कराने की, इन तमाम कॉलेजेस में जो डेट है वो है 5 जनवरी 2018। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं CMH लाहौर की। तो CMH लाहौर मेडिकल कॉलेज में जो MBBS का मेरिट है, पहली मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बता दूं तो वो MBBS का ओपन मेरिट सीट्स के लिए मेरिट क्लोज हुआ है 88.2727 पे, जबकि फॉरन सीट पे MBBS का मेरिट क्लोज हुआ है 87.3431 पे। और उसके बाद BDS की ओपन मेरिट सीट्स की अगर हम बात करें तो मेरिट क्लोज हुआ है 87.7874 पे, जबकि BDS का फॉरेन सीट पे मेरिट क्लोज हुआ है 86.8659 पे। ऐसे स्टूडेंट जो अगर समझते हैं कि इस लिस्ट में कोई गलती है या कोई कमी कोताही है तो ये लिस्ट लगने के 48 आवर्स के अंदर अंदर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं NUMS से। NUMS की वेबसाइट पे कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं, आप उनसे राबता कर सकते हैं। 5 जनवरी 2019 से पहले पहले फीस जमा करानी है, उसके बाद इंशाल्लाह ताला 6 जनवरी को सेकेंड मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी। उसके बाद बात कर लेते हैं क्वेटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज क्वेटा की। यहां पर आपको बता देते हैं ओपन मेरिट पे MBBS का मेरिट क्लोज हुआ है 76.5049 पे, काफी कम मेरिट देखने में आया है, जबकि फॉरेन सीट पे सिर्फ दो स्टूडेंट हैं जहां लास्ट मेरिट है 86.25025। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं CMH मुल्तान की, जहां पे ओपन मेरिट MBBS का मेरिट क्लोज हुआ है 87.6181 पे, जबकि फॉरेन सीट पे मेरिट क्लोज हुआ है 76.062। यहां पर आपको बता देता हूं कि ये हतमी मेरिट लिस्टें हैं जो कि पहली मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग है, बहुत से स्टूडेंट यहां पर ज्वाइनिंग नहीं देंगे और ये मेरिट डेफिनेटली डाउन आएगा। आपने पहली मेरिट लिस्ट देखने के बाद परेशान हरगिज नहीं हो जाना। वहां मेडिकल कॉलेज की हम बात करें तो ओपन मेरिट पे जो MBBS का लास्ट मेरिट है 85.4844, जबकि फॉरेन सीट पे ये मेरिट 79.8431 पे स्टॉप हुआ है। किम्स कराची की बात करें मलीर कैंट की, तो MBBS का ओपन मेरिट पे जो मेरिट क्लोज हुआ है वो है 81.799, जबकि फॉरेन सीट पे MBBS मेरिट क्लोज हुआ है 66.2976 पे। बात कर लेते हैं हम इसके बाद CMH बहावलपुर की, जहां पर ओपन मेरिट का MBBS मेरिट क्लोज हुआ है 86.3818, जबकि फॉरेन सीट पे MBBS मेरिट क्लोज हुआ है 68.8343 पर। बात कर लेते हैं इसके बाद CMH खारिया मेडिकल कॉलेज की, जहां पे ओपन मेरिट पे MBBS मेरिट क्लोज हुआ है 85.1676, जबकि फॉरेन सीट MBBS मेरिट क्लोज हुआ है 75.2416 पे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है PNS शिफा कराची, जहां पर मेरिट ओपन मेरिट का आपको बता देते हैं कि सबसे ज्यादा सीट्स हैं। MBBS का ओपन मेरिट जो है वो क्लोज हुआ है 81.9891 पर, 119 सीटें थी ओपन मेरिट MBBS की, जबकि यहां पर जो फॉरेन स्टूडेंट MBBS के लिए हैं उनका मेरिट क्लोज हुआ है 67.7989 पे, जबकि ओपन मेरिट पे BDS का मेरिट यहां पर क्लोज हुआ है 85.3818, जबकि फॉरेन BDS का मेरिट क्लोज हुआ है 77.9371 पे। इसके बाद फाउंडेशन इस्लामाबाद में जो MBBS का ओपन मेरिट सीट्स के लिए मेरिट क्लोज हुआ है वो आपको बता देता हूं कि 85.7939 है, जबकि फॉरेन सीट पे MBBS का मेरिट 83.3993 पे क्लोज हो चुका है। जबकि हम ओपन मेरिट BDS की अगर बात करें तो वो मेरिट क्लोज हुआ है 87.5636 पे, जबकि फॉरेन सीट का मेरिट BDS के लिए क्लोज हुआ है 85.0207 पे। शिफा इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज जो कि इस्लामाबाद में है, शिफा कॉलेज ऑफ मेडिसिन, उसका मेरिट हम अगर ओपन मेरिट पे MBBS की बात करें तो क्लोज हुआ है 86.4200, जबकि फॉरेन सीट MBBS मेरिट क्लोज हुआ है 86.8659 पे। इसके बाद बात कर लेते हैं IMDC इस्लामाबाद की, जहां पर MBBS का ओपन मेरिट पे मेरिट क्लोज हुआ है 84.46
868 पे, और उसके बाद फॉरेन सीट्स के लिए जो मेरिट क्लोज हुआ है एमबीबीएस का वो है 79.1434। उसके बाद ओपन मेरिट बीडीएस की अगर हम बात करें तो वो क्लोज हुआ है 86.6974, जबकि फॉरेन बीडीएस क्लोज हुआ है 80.6354 पे। उसके बाद अल नफीस इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो ओपन मेरिट पे एमबीबीएस मेरिट क्लोज हुआ है 83.6040, जबकि फॉरेन एमबीबीएस क्लोज हुआ है 68.80 पे। बात कर लेते हैं एचबीएच इस्लामाबाद की, जहां ओपन मेरिट पे एमबीबीएस मेरिट क्लोज हुआ है 82.7090, जबकि फॉरेन एमबीबीएस है 68.5151। इसके बाद फजाइया इस्लामाबाद में बात करते हैं, ओपन मेरिट एमबीबीएस 85.1272, फॉरेन एमबीबीएस 82.4128 पे। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं मोहियुद्दीन इस्लामिक मेडिकल कॉलेज मीरपुर की, जहां पे ओपन मेरिट का एमबीबीएस के लिए क्लोज हुआ है 81.7090, जबकि फॉरेन एमबीबीएस क्लोज हुआ है 64.1414 पे। और लास्ट हमारे पास जो है इस्लामिक इंटरनेशनल डेंटल कॉलेज इस्लामाबाद, यहां पर ओपन मेरिट पे बीडीएस क्लोज हुआ है 85.7186 पे, और उसके बाद फॉरेन बीडीएस क्लोज हुआ है 78.6542 पे। ये है मेरिट लिस्ट जो कि अपलोड की गई है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज की तरफ से, 28 को अपलोड होनी थी लेकिन डिले हो चुकी है, आज 31 तारीख को ये अपलोड हुई है। तो आपने जो है वो मायूस हरगिज नहीं होना, इस मेरिट लिस्ट में जो है वो बहुत से स्टूडेंट ज्वाइनिंग नहीं देंगे। मेरा आपको हौसला और हिम्मत देने का बेसिक मकसद यही है कि आप पूर उम्मीद रहें कि इंशाल्लाह ताला बहुत सी सीटें यहां पर खाली होंगी। जैसे यूएचएस लाहौर की पहली लिस्ट लगी थी, कुछ स्टूडेंट ने ज्वाइनिंग नहीं दी तो दूसरी लगी, उसमें भी ज्वाइनिंग नहीं दी तो तीसरी लगी, अब तीसरी में भी जो लोग ज्वाइनिंग नहीं देंगे तो उन सीटों पर जो है वो चौथी मेरिट लिस्ट लगेगी। इसी तरह नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज की दूसरी मेरिट लिस्ट जो प्राइवेट के लिए है, उसकी ऑफिशियली तौर पर डेट अनाउंस नहीं की गई, लेकिन 5 जनवरी जो कि यहां पर फीस जमा कराने की लास्ट डेट है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देख लें तो आपको मैं बता दूं कि इसके बाद ही यानी 5 जनवरी के बाद ही सेकेंड मेरिट लिस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए लगेगी। अपना रखिएगा ख्याल, वीडियो को कीजिएगा तमाम दोस्तों के साथ शेयर। खुदा हाफिज़।